चौथा शब्द हौलान उल हौल अल माल, माल पर साल का गुजर जाना, माल में साल गुजर जाना है हौलान हौल। यानी आपके पास अगर चांदी 200 दिरहम है, सोना 20 दीनार है, अभी आगे उसकी वजाहत आएगी इंशाल्लाह, तो निसाब तो पहुंच गया, लेकिन निसाब तक पहुंच जाना काफ़ी नहीं है, ये निसाब कम ना होने पाए साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने के अंदर। हाँ, ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, अगर इतनी मकदार से किसी भी महीने के अंदर कुछ कम हो गया तो फिर ये देखेंगे कि किस महीने में इस निसाब तक पहुंच रहा है, फिर उस महीने से जोड़ना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि 12 महीने निसाब की उस हद को पहुँचे हुए रहें या उस हद के ऊपर रहें, उस हद से नीचे ना होने पाए। अगर 12 महीने ऐसे गुजर गए तो जिसको हौलान हौल कहते हैं, एक साल का गुजर जाना, तो अब उसमें ज़कात देनी होगी, इसी को कहा जाता है हौलान उल हौल। असल में साल से कम में अगर ज़कात फ़र्ज कर दी जाती तो ये मालदारों के ऊपर ज़्यादती हो जाती, मालदारों के ऊपर ज़्यादती हो जाती, और अगर साल से कम में इस चीज़ को मुतय्यन किया जाता तो फ़कीर जो मोहताज लोग हैं उनके हक़ पर ज़र पड़ जाता, वो नुकसान में मुबतला हो जाते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियानी दर्जा मुतय्यन फरमाया, और एक साल का जो कि अरबी महीने के एतबार से, अंग्रेज़ी महीने के एतबार से नहीं, अरबी महीने के एतबार से एक साल के गुज़रने को बतौर शर्त के ज़िक्र किया गया है। लेकिन किन चीज़ों में इस शर्त का एतबार होगा, किस माल में, क्या सारे माल में हौला नहौल है या कुछ में है कुछ में नहीं है, ये शर्त ख़ास है चौपायों में। नंबर एक, चौपाए मवेशी। नंबर दो, नकदैन सोना और चांदी। नंबर तीन, तिजारती सामान। कितनी चीज़ों के लिए हौलान हौल की शर्त ज़रूरी है, तीन, यह मैंने ज़िक्र नहीं किया इसलिए कि जगह उतनी नहीं। तीन चीज़ों के अंदर हौलान हौल का पाया जाना ज़रूरी है। क्या है वो तीन चीज़ें? नंबर एक मवेशी और चौपाए, नंबर दो सोना और चांदी नकदैन, नंबर तीन तिजारती सामान। ये तीन किस्म का माल अगर हमारे पास है तो हम एक साल के गुज़रने को बतौर शर्त के समझें उस माल के लिए, एक साल गुजरा तो उसमें ज़कात फ़र्ज हो गया। अगर हमारे पास ज़कात के अमवाल इन तीनों के अलावा भी हैं, जैसे खेती बाड़ी हमारे पास है तो उसमें भी ज़कात है, लेकिन वहाँ हौलाने हौल नहीं है, वहाँ एक साल का गुजरना नहीं, वो जब कटे तब ज़कात। अगर साल में दो बार काटेंगे तो दो बार ज़कात देनी होगी, अगर कहीं फसल तीन बार उगाते हैं उस ज़मीन में तो तीन बार ज़कात देनी होगी, यानी उसका कटने पर है। वह आतु हक हो योम हसादी, वह आतु हक हो योम हसादी। और इसी तरह से बकिया और जो चीज़ें हैं, मादिन वगैरह, ख़जाने वगैरह, जिसका आगे इंशाल्लाह बयान आएगा, उन सब के अंदर भी हौलान हौल की शर्त नहीं है, इनमें से किसी के अंदर हौलान हौल नहीं है। हौलान हौल यानी एक साल का गुजरना सिर्फ इन तीन किस्म के सामान में है। अलबत्ता तीन किस्म की चीज़ें हैं कि वो मुस्तस्ना हैं हौलान हौल से, तीन किस्म की चीज़ें हैं कि वो हौलान हौल से मुस्तस्ना है, यानी अलग है, उनका हुक्म है, हौलान हौल की शर्त उनके लिए नहीं होगी।
तीन किस्म की चीज़ें क्या है? वो तीन किस्म की चीज़ें, नंबर एक जैसे अभी ये बताया कि तीन चीज़ों के अंदर हौलाने हौल का पाया जाना ज़रूरी है, तीन चीज़ों के अंदर, नंबर एक चौपाए मवेशी, नंबर दो नकदैन, नंबर तीन सामान्य तिजारत। तो इसी के साथ हम ये कर लें कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हौलाने हौल की इस शर्त से अलग हैं, उनके ऊपर हौलाने हौल ज़रूरी नहीं है। नंबर एक रिबहुत तिजारा, रिबहुत तिजारा क्या मतलब है रिबहुत तिजारा का? आपने तिजारत में अपना सामान लगाया हुआ है, मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपये आपने लगा दिए, ये आपकी क्या है? असल पूंजी है। और इस असल पूंजी पर साल गुजरा तो आपको ज़कात देनी है, मिसाल के तौर पर साल गुजरेगा सामान्य तिजारत पे ज़कात देनी है। लेकिन साल गुजरने के साथ साथ जब अगला साल जिस महीने में आपने शुरू किया था तो 2,00,000 का फ़ायदा आपका इसमें हो गया, 2,00,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितना था? 1,00,000 था, फ़ायदा कितना हुआ? 2,00,000 हुआ। कितना हो गया साल ख़त्म होते होते? 3,00,000 हुआ। अगर साल गुजरने वाली बात देखी जाए तो कितने पर साल गुजरा? 1,00,000 पर गुजरा। और साल गुजरते गुजरते आपके पास हैं कितने? 3,00,000 रुपये। ज़कात कितने में देनी है? 3 में देनी है, क्योंकि 1,00,000 के ऊपर जो ज़कात आप दे रहे हैं साल गुजरने की शर्त उसके ऊपर पूरी हो रही है, आप ज़कात दे रहे हैं। बाकी 2,00,000 पर जो आप ज़कात दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? जुड़ जाने के, क्योंकि ये जो माल है आपके पास ये नफ़ा माल है, नफ़ा रिब है, रिब है, रिब कहते हैं जो असल पूंजी से तिजारत की वजह से आपको बतौर फ़ायदा के हासिल हुई हो, बतौर नफ़ा के आपको हासिल हुई, उसको रिबह कहा जाता है। तो तिजारत के लिए जो असल पूंजी थी उस पर तो आप हौलाने हौल तो आपको देखना ही देखना है, और वो जब निसाब तक पहुंचा हुआ है तिजारत का ये माल, निसाब तक असल पूंजी आपकी पहुंची हुई है, उस पर आपने साल गुजार दिया तो उस बीच में जितना भी नफ़ा और फ़ायदा आएगा वो सब अपने असल के साथ जुड़ जाएगा, वो सब अपने असल के साथ जुड़ जाएगा, उसके अंदर हौलाने हौल की शर्त नहीं होगी, उसके अंदर हौलाने हौल की शर्त नहीं पाई जाएगी। बल्कि शर्त ये कायदा ये है, अल्फरु यतबउल असल, अल्फरु यतबउल असल, जो फरा होती है वो असल के ताबे होती है। तो आपकी असल पूंजी कितनी है? वो निसाब तक पहुंची हुई है, साल उसके ऊपर बीत चुका है, ज़कात उसमें फ़र्ज हो चुका है। अब उसका जो भी हुक्म है वही हुक्म किस पर लागू होगा? जो फरा है, यानी उसके ज़रिए से वजूद में आई है, उस असल की वजह से वो वजूद में आई है, तो अब इसके ऊपर साल गुजारना शर्त नहीं है, बल्कि ये उसी के साथ जुड़ जाएगा, अपने असल के साथ जुड़ जाएगा, और हर एक के अंदर ज़कात देनी होगी, यानी पूरे माल के अंदर। अलबत्ता असल पूंजी अगर हमारी उस मकदार को नहीं पहुंच रही है जिसको हम निसाब कहते हैं, निसाब तक हमारी असल पूंजी नहीं पहुंची हुई है, कम है निसाब से, और साल उसके ऊपर पूरा हुआ पर निसाब हमारा आधा अधूरा है, तो हमें ज़कात नहीं देनी होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसके ज़रिए से जो फ़ायदा हासिल हुआ है, फ़ायदे को उसके साथ जोड़ें, तो दोनों को जोड़ने के बाद ये निसाब तक पहुंच जा रहा है, तो जिस महीने में असल के साथ आपकी ये फ़र्क मिल कर के निसाब के दर्जे को पहुंचे, वो महीना आपका पहला महीना होगा जोड़ने का। और फिर काउंट करते हुए जब अगले साल उस महीने में आएंगे तब साल पूरा माना जाएगा कि माशाल्लाह निसाब आपका पूरा हो गया,
आपने कुछ कमाया, मेहनत किया, निसाब तो पहुंचा ले गए अपने ज़कात के माल, अपने तिजारत के माल को, अब उसके ऊपर जब 12 साल बीत जाएंगे तो अब आपको उस माल के अंदर ज़कात देनी होगी। 12 महीने 12 महीने जब बीत जाएंगे तो उसके अंदर ज़कात देनी होगी। है समझ में? यह है पहली चीज़ जो उस हुक्म से अलग है, उस हुक्म से अलग है, यानी साल गुजरने के हुक्म से अलग है। ऐसे ही दूसरी जो चीज़ है और वो भी साल गुजरने वाले हुक्म से अलग है, वो है मवेशियों के बच्चे, मवेशियों के बच्चे। क्या मतलब मवेशियों के बच्चे? आपके पास 5 ऊँट था, उससे कम में ज़कात नहीं है, 5 ऊँट था, आपने 5 ऊँट से अपना कारोबार शुरू किया और 5 ऊँट के अंदर आपके ज़कात है। ना भी आपने कारोबार शुरू किया हो तो ऊँट ही नसी वो चीज़ है जिसमें ज़कात है, ऊँट वो चीज़ है जिसके अंदर ज़कात है। तो 5 ऊँट आपका था मान ले मुहर्रम के महीने में, तो आने वाले मुहर्रम के महीने में 5 ऊँट में आपको ज़कात देनी होगी कि ज़कात मुतय्यन है। लेकिन साल आते आते 5 में से 3 जो हामिला थीं उनके बच्चे हो गए, एक एक तीनों ने इजाफा किया तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 ऊँट हो गए। तो अब कितने की ज़कात निकालनी होगी? 8 अब 8 की ज़कात निकालनी होगी मिसाल के तौर पर। अगर उसकी ज़कात 5 की ज़कात से अलग है तो, या ऐसे ही और मान लें और भी बढ़ा और ऐसे ही बढ़ता रहा और उसके साल नहीं गुज़रे, तो जो उस वक्त साल गुज़रने के बाद जब वो महीना आएगा उस वक्त जितनी भी तादाद रहेगी निसाब तक चूँकि पहुँचा हुआ माल है, तो पूरे में से ज़कात निकालनी होगी, पूरे में से मुकम्मल में से ज़कात निकालनी होगी। जो फरा है उस फरा का कोई एतबार नहीं होगा, एतबार मतलब उसके ऊपर साल का गुज़रना उसके असल के उसके असल पर, यानी जो उसकी माएँ हैं उनके ऊपर साल गुज़रना काफ़ी है। अलफरा यत्तबिउ अलअसला। तो ये मवेशियों के बच्चे में सिर्फ ये ऊँट गाय वगैरह है, घोड़ा वगैरह नहीं है? किस किस मवेशी के ऊपर ज़कात है ये भी एक मौजू है। तो जिन मवेशियों के ऊपर ज़कात है उनके बच्चों के ताल्लुक से गुफ्तगू है जी। ये दूसरी चीज़ थी जो उस हुक्म से अलग थी, साल गुजरने वाले हुक्म से। तीसरी चीज़ अल मुअश्शरात। मुअश्शरात का मतलब ज़मीन से पैदा होने वाले गल्ले और दरख्तों में होने वाले फल, इनके ऊपर भी हौलाने हौल की शर्त नहीं है, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने ज़िक्र किया, क्योंकि उसकी ज़कात उसके कटाई के वक्त देनी होती है जब उसको काटा जाए। वाज़े? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत पते की बात कहते हैं ज़ादुल माद के अंदर, थुम्मा इन्नहु औजबहा मर्रतन कुल आम, कि एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है। वजअला हौल अज़्ज़रअ वस्समार इंद कमालिहा वस्तिवाइहा, और खेती और फल के ऊपर साल के गुज़रने को अलग से उसका एतबार नहीं किया, बल्कि उसका हौल क्या रखा कि वो मुकम्मल हो जाए और पक जाए, मुकम्मल तौर पर उसमें दाने आ जाएँ, उसमें फल आ जाएँ और वो पक जाए। तो जब ये इस दर्जे को पहुँच जाए, इस मर्तबे को पहुँच जाए
कि मुकम्मल तौर पर दरख्त और दाने पक जाएं और फल जाएं, पक जाएं और पूरे हो जाएं, तो उस वक्त जब ये अपने इंतहा को पहुंच जाए, ये बढ़ोतरी की एक शक्ल है कि बढ़ते 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 दाना मोटा हो गया, दाना पुख्ता हो गया, वही बढ़ोतरी तो हुई दाने के अंदर। पहले उसके अंदर पपोटा आया, पर पपोटे में कुछ नहीं था, फल फल फूल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ आया, वो कमज़ोर था, दूध जैसा था। फिर वो बढ़ा और उसके अंदर क़ुव्वत आने लगी, फिर वो दाने मोटे होने लगे, तंदुरुस्त होने लगे। ये बढ़ने की मराहिल हैं जो इन के अंदर आता है। ऐसे ही फल जो दरख्तों पे आते हैं, छोटा सा फूल की तरह से रहता है, फिर आहिस्ता से वो दाने की शक्ल इख्तियार करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वो काफ़ी बड़ा मज़बूत हो जाता है और फिर वो पकने भी लगता है। तो जब ये अपने कमाल को पहुँचता है और मुकम्मल तौर पर वो तैयार हो जाता है, तो उस मौके पर गोया कि ये बढ़ने की रफ़्तार जो अपने इंतहा तक पहुँची हुई है, उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतालबा करता है कि अब नेमत मुकम्मल हो चुकी है, अब इसमें से आप उन लोगों का भी हक दें जो हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद।